हेलो गाइस, हेलो दिस इज गन्नू। वेलकम टू मिस्टर मिसेस सिन्हा। और आज बन रहा है रांची का स्पेशल, रांची नहीं झारखंड बोल सकते, झारखंड का स्पेशल डिश है एक। और ये बेसिकली आप मशरूम बोल सकते हैं, लेकिन मशरूम का क्या कि अलग अलग वैरायटी होता है। तो आप देखेंगे कि कम से कम 15-20 तरह के मशरूम के वैरायटी होते हैं। उसी में से एक मशरूम है जो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये बेसिकली इसी टाइम में ही मिलता है, सावन के टाइम में मिलता है, जब बारिश होती है तभी यहाँ मिलता है ये। और ये नेचुरल होता है, इसको कोई खेती नहीं होती, जैसे कि नॉर्मल जो बटन मशरूम होता है उसकी खेती होती है। इसको हिंदी में खुकड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग को समझ में आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और अभी यहाँ पर इसकी सफाई हो रही है, ये है खुकड़ी और इसको पानी में डाल के सफाई हो रहा है। एक्चुअली आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो चुका है, इसमें काफ़ी मिट्टी होती है, इसको साफ करने में काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पर थोड़ा खुखड़ी तो कट चुका है, अब प्याज कटने की बारी है। और प्याज कट रहा है और सालनी रो रही है। खुखड़ी कट चुका है, आप देख सकते कितनी अच्छी तरह से कटा है ये बारी। और ये कुकर है, इसमें छौके लग रहे हैं, इसे पड़ गया, जीरा पड़ चुका है, तेज पत्ता पड़ चुका है और लाल मिर्च रखी हुई है डालने को तैयार। ये भाभी ने डाल दिया लाल मिर्च और मेरे ख्याल से प्याज भी पड़ने का टाइम हो रहा है। एक्चुअली ये और कहीं नहीं मिलता, ये सिर्फ झारखंड में ही मिलता है। और झारखंड में भी कुछ खास हिस्से में मिलते हैं, जैसे रांची हो गया, और कहाँ मिलता पता नहीं, रांची मिलता है, जमशेदपुर मिलता है, वही मेन जो रांची से 100-150 किलोमीटर दूर है वही मिलते हैं। और प्याज इसमें पड़ चुका है, प्याज बहुत क्वांटिटी में पड़ता है। हाँ, जैसे कि आप नॉनवेज खाते तो कैसे होता है कि मटन आप खरीद रहे हैं 1 kg, तो प्याज उसमें कम से कम 400 ग्राम तो डालते ही डालते हैं। तो इसमें क्या कि वेजिटेरियन भी लोग खा सकते हैं, सेम इसमें भी वही है, जितना क्वांटिटी रहता है उसके हिसाब से थोड़ा प्याज भी पड़ता है। और मेन यहाँ क्या कि सावन वगैरह में क्या होता है कि नॉनवेज लोग खाते नहीं है, तो यहाँ खुकरी खाते जो बिल्कुल नॉनवेज जैसा टेस्ट आता है। और जो बेचने वाला वो भी यही बोलता है, अरे इसको खाइए तो सही, मटन भूल जाएंगे आप, मटन भी बोलता है फेल है। और शालिनी बताएगी कि क्या क्या बोलता है, क्या बोलता है शालिनी? बोलता है कि मटन फेल। इसमें मशरूम पूरा भर चुका है, मशरूम में खुखड़ी, खुखड़ी सॉरी, देहाती मशरूम। हाँ, ये सिर्फ बरसात के टाइम में ही होता। भाभी चला रही है, भाभी ये भाभी हेलो बोल दीजिए। भाभी अभी मीटर डाउन है, भाभी का अपर बाजार बहुत हम लोग घूम चुके हैं, तो भाभी का हो गया मीटर डाउन हम एकदम, लेकिन फिर भी हाय तो बोल ही देंगे। हाय बिल्कुल हाँ। और मशरूम अभी थोड़ा गलेगा तो और थोड़ा कम होगा, देखिए चलाते चलाते कम हो गया, मस्त हो गया। देख सकते हैं कितना क्वांटिटी धीरे धीरे दबते जा रहा है, आई मीन टू से कि गल गया है। और ये है भाभी का किचन टूर, अभी पर एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, और भाभी को फिर भी ऑर्गेनाइज नहीं लगता है, इसलिए नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है। लापता नहीं थे, हम लोग गए थे तीज का शॉपिंग करने के लिए, हम भाभी और अवनीत गए थे, और बच्चा लोग घर में था पढ़ाई कर रहा था। तो भाभी आज सरप्राइज वे में खुखड़ी बना रही है, जो मैं कभी नहीं खाई हूँ, भाभी के हाथ का फर्स्ट टाइम खाऊंगी। और इधर आटा भी गूंद के रेडी हो चुका है, रोटी और खुखड़ी का आनंद लेंगे हम लोग आज। भाभी का जो भी किचन का ये सारा चीज है हमको काफी अच्छा लगता है, और आप लोग नीचे भी देख सकते हो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और ये एक्वा फ्रेश का यहाँ पे एक्टिव कॉपर एक्वा फ्रेश पानी वाला भी लगा हुआ है, आरओ, आरओ है ना भाभी ये। और ये है खुखड़ी जो बन रहा है भाभी के द्वारा। भाभी एक्चुअली खाना बहुत ही अच्छा बनाती हैं, हमको उनका हाथ का खाना अच्छा लगता है। भाभी अब अपना तारीफ तो करेंगी नहीं, तो हम कर दे रहे हैं।
देखिए ये पूरा डिट्टो मशरूम जैसा दिखता है, बट ये लोग कह रहे हैं कि टेस्ट काफी अच्छा होता है। ये कंपेयर किया जा सकता है मटन से, और इसको देहाती मशरूम भी कहते हैं। तो गाइज इसी तरह कंटिन्यू रहे ब्लॉग में, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बन के और कितना नॉनवेज टाइप, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको पता होगा नॉनवेज टाइप दिखेगा कि नहीं। और जो झारखंड के व्यूअर्स हैं वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने खाया होगा। जैसे मटन वगैरह में डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन जो भाभी डाली हैं वो पीस के डाली हैं, और अदरक घिस के डाली हैं। ये वाला घिसने वाला है, इसी से घिस के डाली, जैसे चाय वगैरह में घिस के डालते हैं, घिसने से टेस्ट आता है, टेस्ट आता है अच्छा। और ये है नमक हल्दी, सारा कुछ स्वाद अनुसार डालना है, एग्जैक्टली वैसे ही बनाना जैसे आप मटन बनाते हो। तो इसमें आप मटन मसाला भी डालेंगी? नहीं, मटन मसाला नहीं डालते हैं, गरम मसाला डालेंगे। मटन मसाला नहीं डालेंगे, होममेड जो देसी स्टाइल होता है ना, होममेड मसाला। हाँ, देसी स्टाइल में भाभी बना रही हैं, और काफी कुछ नहीं डालेंगे बाजार का। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से दिख रहा है, अभी तो हल्दी हल्दी टाइप दिख रहा है। गाइज आप लोग देख सकते हो कि ये कितना फुल था, यहाँ तक भरा हुआ था, और अब ये इतना कम हो गया, आधा कुकर हो गया, और ये फुल कुकर था। और भाभी इसमें डाली है हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। हाँ, भुना जीरा पाउडर। और अब लास्ट में जैसे मटन में हम लोग डालते हैं गरम मसाला, वैसे ही भाभी डालेंगे इसमें गरम मसाला। थक गई है लेकिन फिर भी ब्यूटीफुल लग रही है। सो इग्नोर ऑल दिस कि फेस से क्या मतलब है, आपको रेसिपी तो दिख रहा है। मम्मी को दिखा दो, सालनी मम्मी को भी दिखा देना। ये पूरा भुन चुका है, अभी नहीं भुना है, यानी वो मसाला पड़ चुका है, मसाला पड़ गया। भुनेगा तो थोड़ा रंग दिखेगा, कलर थोड़ा सा कलरफुल दिखेगा। और देख सकते हैं कितना भरा हुआ था कुकर, और आधा हो चुका। सालनी घबरा गई थी कि भारी पड़ा, किचन लाए। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल मटन की तरह रेडी हो चुका है। तो कुछ पार्ट था जो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई, वो पार्ट ये था कि जो खुखड़ी होता है उसको ला के फाइव पानी से पहले धोते हैं 5 बार, 5 times, उसके बाद जब 5 times ये धुल के, उसके बाद फिर उसको छिला जाता है, छिला मतलब हल्का रगड़ा जाता है, उसके बाद फिर 4 to 5 times धोया जाता है, देन इसको कट किया जाता है, ये होता है इसका प्रोसेस। और सामने रोटी पका रही हो? यस। और रोटी भाग रहा है? रोटी बोल रहे हैं अब गेट के प्लेट में जाएंगे हम। प्लेट से फिर टमी में जाएगा, टमी चू मेन रेसिपी वो तैयार हो चुका है। और ये प्लेट और में आपको कैसा दिख रहा है सिन्हा जी? मस्त दिख रहा है, आप लोग भी देखो कैसा दिख रहा है आप लोगों को। मटन ज्यादा दिख रहा है बिल्कुल। अब तो प्लेट लग चुका है, मशरूम निकल रहा है, खुखड़ी निकल रहा है, सॉरी मशरूम नहीं है, खुखड़ी, देहाती मशरूम भी कहते हैं इसको। हाँ, और ये सिर्फ रांची में मिलता है, इसके 100 किलोमीटर के अंडर मिलता है ये। हाँ, ये मेनली रांची का ही है। तो आप लोग भी इंजॉय करो, अपने घर पे भी बनाओ, क्या साल नहीं? और आप लोगों को कैसा लगा डिश कमेंट करके जरूर बताना। और मैं ये जानती हूँ कि जो झारखंड से होंगे, बेसिकली रांची और आसपास के जिले से होंगे, उन लोगों को पता होगा इसके बारे में, खुखड़ी और रुगड़ा जो बेसिकली सावन के टाइम ही मिलता है, झारखंड में ही स्पेशली मिलता है, कंपेयर टू अदर स्टेट कहीं पे भी नहीं मिलता है। और इवन ये कि ये काफी एक्सपेंसिव भी होता है, आपको लगेगा ये करीबन 700 रुपए केजी या 800 रुपए केजी आता है, ये कभी कभी 1600 रुपए केजी भी आता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी डाल दिया, वहां जाकर आप मेरा रील वीडियो एंजॉय कर सकते हो और वहां फॉलो भी कर सकते हो। आज के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।